रामपुर पुलिस ने किया लूट का खुलासा, एक गिरफ्तार सरगना सहित चार फरार। रामपुर पुलिस के हाथ एक ऐसे लूट करने वाले एक गिरोह का सदस्य लगा है जो रात में लूटपाट को अंजाम देते थे। इस गिरोह में 25 अक्टूबर की रात मेराहगीरों से लूटपाट भी की थी। आरोप है कि रामपुर में देर रात 12 बजे के बाद इन्होंने तमंचे के बल पर लूट करी थी, जिसका आज पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने उसका खुलासा करते हुए उनके पास से 1800 रुपए बरामद किए हैं। लूट में इस्तेमाल करने वाला तमंचा भी बरामद किया है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने थाना खजुरिया में हुई हत्या का भी खुलासा किया। पुलिस के अनुसार 6 मई को तनवीर नाम के शख्स की हत्या कर दी गई थी। यह हत्या रंजिश हुई थी। इसके दो आरोपी आज गिरफ्तार किए गए। हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार भी बरामद कर लिया गया है। आज दो थाना क्षेत्रों की दो पुरानी घटनाओं का अनावरण हुआ है। मिनटों भाई पीछे कर लो थोड़ा सा। सबसे पहले मैं बता दूं कि इसी हफ्ते के भीतर की घटना है। हाईवे पर रात के समय एक अधिवक्ता की गाड़ी खराब हो गई थी, उसको कुछ बदमाशों ने लूट लिया था। उस घटना का अनावरण हुआ है। मेराज नामक जो अभियुक्त है वो गिरफ्तार हुआ है। उसने पूरी घटना सिलसिलेवार बताई। बादी ने अपने साथ जिस तरह की घटना हुई थी जो बताया था, उस हिसाब से पूरी घटना सत्य है उसकी निशानदेही पे। उस घटना में उस गाड़ी में मौजूद एक महिला का कुंडल गया था, वो कुंडल और 1800 रुपये की बरामदगी हुई है। बेसिकली ये वहाँ से गुजर रहे थे। ये लोग इस उद्देश्य से निकले थे, पूछताछ में जो इन्होंने बताया कि ये कहीं से मीट खरीदने जा रहे थे, लेकिन पता चला इन्हें कि नहीं, रास्ते में पुलिस की कई जिप्सियाँ लगी हुई हैं तो ये नहीं, इन्हें बरेली या उससे आगे जाना था। लौट पड़े, गाड़ी खराब देखा, आगे बढ़ गए। इनके मन में लालच आया और मुँह वगैरह ढक करके फिर इसके बाद ये वहाँ से चले और यहाँ इन लोगों को लूट लिया। इस घटना का अनावरण हो गया है। इसमें कुल 5 लोग शामिल थे। एक गिरफ्तार व्यक्ति ने सिलसिलेवार घटना इकबाल की है, उससे बरामदगी हो गई। शेष 4 की गिरफ्तारी अतिशीघ्र करने का प्रयास किया जाने में। भट्टे के मुनीब की हत्या हुई थी, तनवीर नाम था उसका, वो ब्लाइंड केस था, तब से चल रहा था, पुलिस के राडार पे कुछ लोग थे। बीच में पुलिस ने जानबूझकर अपनी स्ट्रेटजी के तहत थोड़ा सा अपना शिकंजा ढीला कर दिया, उनके ठाव ठिकानों पे दबिश देना, आना जाना बंद किया, तो इन्होंने कहीं डिस्कशन कर दिया कि बड़ी अजब स्थिति सी बनी हुई है, इससे बेहतर तो कि हम चले जाते, जेल चले जाते, न जी पा रहे हैं न मर पा रहे हैं। और इनको लगा कि अब पुलिस ढीली हो गई है, तो ये फिर आमदरफ्त इन्होंने शुरू कर दिया। तो खजुरिया वाली घटना में भी 3 लोग थे, एक ही पिता के 3 पुत्र हैं। ये भट्टे पे लेबर का काम करते थे और मृतक मजदूर मुनीब था। इनसे जो ईंटें वगैरह टूट जाती थी उस पर उसकी डांट फटकार होती थी कि हम आपको निकाल देंगे। एक दिन गाली गलौच में स्थिति आ गई, तो इन्होंने कहा तुम क्या निकालो कि हम तुम्हें दुनिया से निकाल देंगे। उसके बाद इन लोगों ने उसको थोड़ा सा ब्राइब देने की कोशिश की, मालिक की नाजानकारी के कुछ ईंटें निकल जाए, 2000 लेने आए 2200-2400 चले जाए, इस तरह का धंधा अगर करो तो हमारे पास आदमी। उसने उसको मना कर दिया, मालिक के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। इन दो बातों की रंजिश उन्होंने मन में बांध रखी थी। इस वजह से उनके यहाँ शादी का कार्यक्रम था, उसमें डांस पार्टी आई थी, इसको भी बुलाया और वहाँ यद्यपि वहाँ से जाके लौट आया था, फिर इसने अपने जहाँ घर आकर के घर माने भट्टे पे आकर के ये बताया था, फिर कहा मैं जा रहा हूँ 3-4 गाने सुन के आ जाऊँगा, और फिर नहीं मिला। इसकी लाश मिली, इस आधार पे मुकदमा पंजीकृत था, ब्लाइंड मर्डर था, लेकिन अनावरण हुआ, 2 आदमी गिरफ्तार हुए, उनकी निशानदेही पे आला कत्ल बरामद हो गया, उन्होंने घटना स्वीकार। ठीक है सर।